यूपी में हो रहे नगर निकाय चुनावों को लेकर चारों तरफ सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हर प्रत्याशी अपनी अपनी कमर कस चुका है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कैंपेन यहां चालू कर दी गई है और वार्ड नंबर 32 की अगर बात करते हैं तो यहां से एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं जिनका नाम है चंदन आहूजा। किस तरह से आप चुनावी मैदान में आए, हमारे साथ बात करेंगे। चंदन जी, ये बताएं कि आपने इससे पहले क्या प्लान किया, इसके लिए चुनाव लड़ेंगे, कैसे समाज सेवा करेंगे, क्या है भूमिका? भाई साहब, हमारे सामने जो अभी तक सबसे मुख्य समस्याएं आ रही थी कि हमारे सारे भाई लोग बहुत बड़ी डिफिकल्टी में थे। वो सिर्फ एक ही चीज़ फील कर रहे थे कि कैसे भी हम में से कोई एक ऐसा प्रत्याशी हो जो हमारे नगर और हमारे देश के साथ साथ हमारी कॉलोनी का भी विकास कर पाए। हमारे लोगों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या बनी पड़ी है कि पिछले 15 साल से एक भी प्रत्याशी हमारे समाज का नहीं है जो कि बाहर की कॉलोनियों से चुना जाता है। और वाटर लॉगिंग की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है जिसका भुगतान सिर्फ हम लोगों को करना पड़ता है क्योंकि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, हमें मालूम है कि क्या प्रॉब्लम है। और उस वाटर लॉगिंग की वजह से हमारे जितने भाई लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, चाहे बनिया समाज के हैं, चाहे वो जाट समाज के हैं, डी ब्लॉक में पानी भरने की वजह से इतने मच्छर पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से वायरल मलेरिया, स्वाइन फ्लू, डेंगू ऐसी बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। कैसे आपके मन में आई ये सारी बातें? इससे पहले कभी समाज के बीच में आपने किस तरह की भूमिका रखी? कभी इससे पहले क्या आपने समस्याओं को लेकर के इनका विरोध किया, समाज के साथ खड़े? भाई साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हर इंसान के अंदर एक रिवॉल्यूशन होता है और हर इंसान चाहता है कि कहीं ना कहीं कोई स्टेप ले। हम रोज डिस्कस करते हैं उस पॉइंट को, 10 साल से, 5 साल से, ये हो वो हो, सरला देवी स्कूल के आसपास की गलियां पानी भरा रहता है, कोई सुनने वाला नहीं है, समस्याओं को लेकर दूसरे तक जाते हैं, वो कह देते हैं आगे जाओ, आगे वाला कह देता है और आगे जाओ, घूम फिर के उस चक्रव्यूह में हम लौट के फिर वहीं खड़े हो जाते हैं। क्या मानते हैं कि अगर आपकी समस्याओं का निस्तारण पहले हो गया होता तो शायद आज मैदान में नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता और हम इस चीज़ से सेटिस्फाइड होते तो शायद हम ऐसा कोई स्टेप लेने के लिए कभी सोचते ही नहीं। इस तरह से चंदन आहूजा हमारे साथ भी बने हुए हैं और ये पूरी तरह से अपने क्षेत्र के लोगों को रिझाने और लुभाने का काम कर रहे हैं। इनका मानना यह है कि जनता ने मुझे खड़ा किया है और जनता निश्चित तौर पे यूं ही मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के रहेगी। यहाँ की जनता से बात कर लेते हैं। आप क्या शुभ नाम है आपका? इंद्रलाल जी, एक कैंडिडेट आपके यहाँ से खड़े हैं, तो क्या मानेंगे इनके लिए, चंदन आहूजा के लिए कैसा व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति चाहिए? बहुत सज्जन है, काम करने में सबसे आगे बढ़ने। क्या विश्वास है आपको कि अगर आगे आपने मौका दिया तो ये आपके वायदों पे खरे उतरेंगे? बिल्कुल मुझे विश्वास है इनको। क्या सुनाना चाहूँगा कि क्या है ये पूरा कैंपेन, किस तरह के लोग यहाँ मैदान में आ रहे हैं और कैसे लोगों को आप वोट देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे वार्ड में जो भी प्रत्याशी आ रहा है सब बाहर के प्रत्याशियों का नाम निकल के आ रहा है। क्या हमारे वार्ड में क्या हमारा अपना प्रत्याशी नहीं है? इसलिए हमारे सभी वार्ड वासियों ने, सभी भाइयों ने, माताओं बहनों ने मिलकर हमारा भाई चंदन आहूजा इसको समर्थन दिया, इसके साथ चलने के लिए आगे, इसको संघर्ष के लिए इसको सबसे आगे किया। और चंदन जो है एक सामाजिक लड़का, सामाजिक व्यक्ति, हर समय समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो हर समय आधी रात जब चाहो जब जनता के साथ हर समय चलने के लिए, हर काम के लिए हर समय तैयार रहता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे प्रत्याशी की आपको जरूरत है, कैसे लोगों को आप आगे लाएंगे? देखिए सर, मैं आपको 4-5 समस्याएं जो कृष्णनगर की बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो है, जो भी प्रत्याशी जीत के आए, सफाई की बहुत बुरी हालत है सर। आप किसी गली में चले आइए, गंदी गंदी ढेर मिलेंगे आपको। और तीसरा यह है कि आवारा पशु यहाँ पे बहुत घूमते रहते हैं, वो आप सबको मालूम है। पशु जानवर, बंदरों का आतंक देख लीजिए आप, कभी कभी तो बंदर जो है आधी गली घेर के खड़े हो जाते हैं। तो आपका कहना यह है कि जो प्रत्याशी आपकी समस्याओं का निस्तारण करे ऐसे प्रत्याशी को आप? और मैं बताना चाहता हूँ, सांडों का हाल देख लीजिए, कई घायल हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ व्यस्त जो चौराहे हैं या गली सड़क है जो भी है, कम से कम स्पीड ब्रेकर बनवाए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपने देखा कि वार्ड नंबर 32 में यहाँ किस तरह से कैंपेन किया जा रहा है, प्रत्याशी अपनी बात को लेकर के जनता के बीच में कैसे उतर रहा है और यहाँ की जनता ने
सिर्फ और सिर्फ अगर बात कही तो सिर्फ यही कि इन्हें यहाँ का लोकल प्रत्याशी चाहिए, इन्हें वो प्रत्याशी चाहिए जो हर समय इनके साथ रहकर इनकी समस्याओं का निस्तारण कर सके। और ये बात सामने आ रही है कि यहाँ अब तक जिस भी व्यक्ति ने शासन किया हो, जिस भी सरकार का शासन रहा हो, उन सब शासन से, उनके कार्यकाल से यहाँ की जनता बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आने वाला प्रत्याशी लोकल होगा और किस तरह से इनकी समस्याओं का निस्तारण करने में खरा उतरेगा। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ की चुनावी सरगर्मियों को लेकर के हम आपके बीच में बने रहे और इसी तरह से लगातार जहाँ भी जैसे भी प्रत्याशियों की कैंपेन होगी और जनता के बीच की समस्याएँ होंगी और जनता की चुनावी जो ज़रूरतें होंगी उनको लेकर हम आपके साथ बने रहेंगे। आप बने रहिए समाचार सिटी 24 पर।